चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अमेठी के एक होनहार बेटी की जिसका सपना आज पूरा हो गया। केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी की पहल पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की स्टूडेंट नीतू मौर्या इसरो के लिए रवाना हो गई हैं। गांव की बेटी को विदा करने के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा, ये रिपोर्ट देखिए। ये खुशी है एक बेटी की सफलता की, गांव का नाम ऊंचा करने की, एक ऐसे मुकाम पर पहुंचने की जिसकी कल्पना हर किसी को रहती है। अमेठी की नीतू मौर्या का सपना इसरो में जाने का था, जिसे पूरा किया अमेठी की सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फाइनल ईयर की छात्रा नीतू मौर्या को ढोल नगाड़ों के साथ इसरो के लिए रवाना किया गया है। नीतू मौर्या ने इसरो रवाना होने से पहले अपने घर और गांव के मंदिर में पूजा की, जिसके बाद परिवार के लोगों ने नीतू मौर्या को तिलक लगाया, मिठाई खिलाई और फिर पूरा गांव खुशी मनाते हुए नीतू को कार तक छोड़ने आया। दरअसल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 10 मई को नीतू मौर्या को टैबलेट देते हुए उनकी इच्छा पूछी थी, जिस पर नीतू ने इसरो जाने की इच्छा जताई थी। इसके बाद स्मृति ईरानी ने अपने क्षेत्र की बेटी को इसरो ले जाने का दावा किया था। अपने आप में अद्भुत है कि एक प्राइवेट स्कूल के मंच पे सरकारी स्कूल की बच्ची अब इसरो जाने का संकल्प ले रही है। यही हमारे समाज की सुंदरता है, यही हमारे समाज का मान है। नीतू बचपन से ही वैज्ञानिक बनना चाहती थी। एपीजे अब्दुल कलाम और कल्पना चावला उनके आदर्श हैं, जिनकी किताबें हमेशा नीतू के साथ रहती हैं। लेकिन जब उसका सपना साकार हुआ तो उसने इसके लिए स्मृति ईरानी को धन्यवाद दिया। सर बहुत खुशी मिल रही है और सांसद जी को धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने हमारी इच्छाओं को सुना और आज हमको वहाँ लेकर जाएंगी। बहुत खुशी मिल रही है सर। यहाँ से अभी लखनऊ जाना है सर, लखनऊ से क्या कहते हैं गुजरात जाएंगे, गुजरात से साबरमती आश्रम में रुकेंगे सर, वहाँ विजिट करेंगे, उसके बाद सर रोबोटिक्स गैलरी घूमेंगे सर, उसके बाद 11 को सर इसरो विजिट करवाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।